हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विद्युत विश्वास एंड वेलकम टू माय चैनल हिडन जेम ऑफ स्टॉक मार्केट बाय विद्युत विश्वास। फ्रेंड्स, जैसे बहुत दिन बाद कंटिन्यूस दो ही वीडियो बना रहा हूँ। लास्ट वीक भी वीडियो बनाया था और इस वीक भी टाइम है तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। अभी तो शाम को सोचा था आईपीएल फाइनल देखेंगे, लेकिन बारिश की वजह से तो नहीं हो रहा है। तो मैं सोचा, और बहुत सारे फ्रेंड्स रिक्वेस्ट करते रहते हैं जे वीडियो बनाओ, तो फ्रेंड्स आप लोगों के गाइडेंस के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो बनाने का इसीलिए जरूरत था, ऐसा कुछ नहीं है। लास्ट वीक का जैसे मैंने बोला था वीडियो में, ऑलमोस्ट सेम सेम ही चल रहा है, तो उतना कुछ बनाने का जरूरत भी नहीं था। तब भी एक बार गाइडेंस तो दे देते। देखो, तो निफ्टी का मैं हमेशा जिसे आप लोगों को बताता हूँ, मंथली चार्ट से हमेशा चालू करता हूँ। मंथली चार्ट पे अगर देखेंगे, बहुत दिन के कंसोल चैनल में ये चल रहा था निफ्टी। देखो, तो चैनल से अगर नीचे की तरफ भी गया, इमीडिएटली चैनल के अंदर आया, लेकिन इस जगह पे एक चैनल ब्रेकआउट था। तो चैनल ब्रेकआउट होने के बाद जनरली कंसोलिडेशन करता है, लेकिन इसने खुद ऊपर जाके कंसोलिडेट किया, चैनल को रिटेस्ट करने नहीं आया। इस जगह पे देखो, एक फ्लैग जैसे जो बड़ा पैटर्न है ना, वो समझाने के लिए मैंने अभी ये बोला। तो इस जगह पे एक बड़ा मूव था, तो उसके बाद एक फ्लैग बनाया, तो फ्लैग पैटर्न को ब्रेक किया और उसके बाद एक थोड़ा सा छोटा सा कंसोलिडेशन चल रहा है। अभी क्या है, इस जगह पे एक जो क्या है, डबल बॉटम जैसे बना के इस जगह पे सपोर्ट लेके फिर से उठ रहा है। और इस जगह पे एक डोजी है, डोजी के बाद एक ग्रीन कैंडल था, और ग्रीन कैंडल के बाद और एक ग्रीन कैंडल का कंफर्मेशन ऑलमोस्ट मिल चुका, क्योंकि मंथ तो लगभग खत्म हो गया, 28 हो गया, तो और 3 दिन का ही है इस मंथ के। ऑब्वियसली 3 दिन में भी गिराना है तो गिरा सकते हैं, तो लेकिन ऑलमोस्ट एक कंफर्मेशन, मतलब एक मॉर्निंग स्टार जैसे पैटर्न के बाद उसका कंफर्मेशन भी मिल गया। तो मेरा हिसाब से ये अगर इस पॉइंट को मतलब क्रॉस करे, जो लास्ट चाहिए उसको क्रॉस करके 1 महीना अगर स्टे कर गया उसके ऊपर, तो इतना जो बड़ा मूव है वो निफ्टी में मिल सकता है। ऑब्वियसली टाइम तो लगेगा, 1-1.5 साल लगेगा ये अचीव करने के लिए, लेकिन इतना बड़ा एक मूव मंथली चार्ट से दिख रहा है। हाँ, अभी बात है, अभी होगा या तो और भी थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद होगा, वो बोल नहीं सकते। देखो, इस जगह पे फिर से इधर जाके थोड़ा सा अप डाउन कर सकते हैं, क्योंकि ये पैटर्न कब ब्रेक करके निकलेगा किसी को पता नहीं। ये अगर ब्रेक करके निकला इधर से तो भी इस जगह पे देखो एक रेजिस्टेंस तो है, वो भी कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जब इस जगह से निकलेगा और एक फ्री फ्लो मूव चालू होगा, तो इतना बड़ा एक मूव आने का चांस है। तो वो कौन सा है, 17,500 से 18,500-18,600, तो 11,000 का एक मूव, वो एक एक कंसोलिडेशन जब फाइनली ओवर होगा, वो कंसोलिडेशन के बाद आ सकते हैं, और उसमें 1-2 साल का टाइम लगेगा वो टोटल मूव होने में। तो ऐसा है, तो अभी निफ्टी का डेली चार्ट से अगर देखूंगा, देखो एक जो हाई दिया था निफ्टी का, तो हाई के बाद एक 18,900 के आसपास तो एक डाउनवर्ड मूव था, डाउनवर्ड मूव को ब्रेक किया और इस जगह पे एक बॉटम फॉर्म किया था, क्लियर कट बॉटम था। तो लास्ट वीक जैसे बोला था, इस जगह पे देखो स्ट्रेट मूव है, तो इस जगह पे कंसोलिडेट करेगा, तो कंसोलिडेट किया और उसके बाद कंसोलिडेशन करने के बाद इस जगह पे थोड़ा अभी अल्टीमेटली फाइनली वो ब्रेकआउट दिया, तो ब्रेकआउट दिया तो अभी नया हाई के आसपास आएगा, ठीक है। तो अभी का जो मूव होगा इस जगह से इस जगह तक आएगा, तो और फाइनली हाई के जो मेरे को लगता है इस जगह पे जो होगा, ये हाई के पास आके जो 18,900-19,000 के बीच में फिर से एक फर्दर कंसोलिडेशन होगा और उसके बाद फाइनली ऐसा निकलेगा। तो अभी नेक्स्ट वीक जो देख रहा हूँ, नेक्स्ट वीक मतलब 4,500 से ये सॉरी 18,500 से 18,900 तक एक मूव देगा, क्योंकि लास्ट क्लोजिंग तो वही है। लास्ट क्लोजिंग कितना है, 499 का सच क्लोजिंग है, तो 18,499 क्लोजिंग है, तो
तो उस जगह से 500 400 पॉइंट का एक मूव इस वीक में हम लोग देख सकते हैं निफ्टी में, और उसके बाद फिर से एक दो वीक का एक कॉन्सोलिडेशन है सर, और उसके बाद फाइनली एक मतलब हाई ऑल टाइम हाई मिल सकता है, ये मेरा व्यू है। तो अभी नेक्स्ट वीक सर वीडियो अगर नहीं बनाएंगे तब भी यही व्यू लेके आप लोग चलना है, ठीक है। चलो अभी आज मैंने तैयार किया थोड़ा निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ, निफ्टी बैंक निफ्टी सर सेक्टरल व्यू भी दे देता हूँ आप लोगों को, जी कौन सा सेक्टर थोड़ा मेरे को अच्छा लग रहा है, कौन सा सेक्टर ज्यादा मूव कर सकते हैं। ऑब्वियसली देखो वो सेक्टर वाइज जैसे चूज करके फायदा नहीं है, जब मार्केट चलता है तो सारे स्टॉक ही चलता है, वो सेक्टर आज ये सेक्टर चलेगा तो कल दूसरा सेक्टर चलेगा, तो सेक्टरल वाइज करके फायदा नहीं है, तब भी कौन सा सेक्टर बुलिश है बेयरिश है एक बार बता देता हूँ। चलो बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी आप अगर मंथली चार्ट पे देखोगे ऑब्वियसली एक इसको अगर आगे करेंगे तो 40 हाई था 44,000 ऑलमोस्ट, नया हाई तो अभी तक नहीं मिला लेकिन नया हाई अभी बहुत जल्दी मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है 44,200 का आसपास है, तो मंथली चार्ट पे अगर ये भी रेजिस्टेंस की तरह काम करे तब भी 45,000 46,000 तो आएगा, लेकिन मेरे को लगता है ये देखो ये जो ये बहुत बार रिटेस्ट हो चुका है और एक हेड एंड शोल्डर जैसे पैटर्न इस लाइन के साथ बनाया है, मैंने लास्ट बार भी दिखाया था, तो हेड एंड शोल्डर जैसे पैटर्न बनाया, तो मतलब इस बार इस लाइन पे आएगा तो इसको ब्रेक करके सीधा मूव दे सकते हैं। और लास्ट बार जैसे आफ्टर कोविड निफ्टी में बहुत ज्यादा मूव मिला था, लेकिन बैंक निफ्टी में उतना ज्यादा मूव नहीं मिला था ऑल टाइम जो हाई था उसके ऊपर, तो एक मूव बहुत दिन से पेंडिंग है क्योंकि ब्रेकआउट के बाद कॉन्फिडेंसली वो कर रहे हैं, तो देखते हैं वो मूव कब आएगा, शायद इस जगह पे ऐसा भी हो सकता है इस लाइन को टच करके और भी 2 4 महीना 5 महीना कंसोलिडेट कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जब इधर से निकलेगा एक बड़ा मूव हो सकता है। और दूसरी बात है मैं हमेशा बोलता हूँ कि इस बार का जो मूव हो रहा है बैंक निफ्टी लीड कर रहा है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो बैंक निफ्टी अगर इस जगह पे ब्रेकआउट देगा इस वीक, ठीक है। देखो बैंक निफ्टी क्या है, इस जगह पे फिर से एक बड़ा मूव के बाद कप एंड हैंडल जैसे पैटर्न, अभी देखो मैं हमने हमेशा आप लोगों को एक चीज सिखाया, अगर जो रेजिस्टेंस है इस जगह पे देखो एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को टच करके अगर नीचे जाना होगा तो शार्प वो नीचे चला जाएगा, लेकिन रेजिस्टेंस के पास एक कंसोलिडेशन कर रहे तो इसको ब्रेक करेगा, तो इस जगह पे जैसे निफ्टी में इस वीक में मैंने 300 400 पॉइंट का एक मूव देख रहा हूँ, तो बैंक निफ्टी भी इसको ब्रेक करेगा और ब्रेक करके ऊपर जाएगा, तो उसके बाद शायद थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन करेगा, जैसे निफ्टी भी मैंने बोला 18,900 से 19,000 के बीच में थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, तो बैंक निफ्टी भी उस जगह पे करेगा, लेकिन इस वीक उतना कंसोलिडेशन मैंने नहीं देख रहा हूँ, इस वीक अच्छा मूव मैंने एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। चलो निफ्टी स्मॉल कैप, निफ्टी स्मॉल कैप का अगर देखेंगे, चलो इस जगह से चालू करते हैं पहले, तो स्मॉल कैप का अगर ऑल टाइम उधर से व्यू से एक बार देख लेते हैं, पहले तो देखिए कोई भी डाउनवर्ड मूव ऐसा नहीं होता है, देखो इस जगह पर ऑल टाइम चार्ट देखेंगे तो इधर से जो 2008 का पीक था 2018 का पीक था, तो उससे अगर एक लाइन खींचेंगे तो इस जगह पे एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस था, तो ये 10 लाइन रेजिस्टेंस के आसपास से ही वो वापस गया देखो, लेकिन 2008 में इधर से एकदम शार्प डाउनफॉल हुआ था, 2018 में भी वही हुआ था, लेकिन इस बार क्या है इसको टच करके ये एक कंसोलिडेशन कर रहा है और उतना नीचे अभी तक नहीं गया, और इस जगह पे नीचे जाके एक हायर हाई तो उसने दे दिया, हायर हाई कैसे बोल सकते, देखो ये लो के हायर सॉरी हायर लो, ये लो के बाद दो कंटिन्यूअसली ग्रीन कैंडल मिल गया, तो ऑब्वियसली इसको हम लोग लो बोल सकते हैं, लेकिन देखो इस जगह पे जो गया कभी वो हायर लो नहीं दिया था, मतलब देखो इस जगह जैसे इस जगह पे दो ग्रीन कैंडल तो नहीं मिला था, ठीक है, लेकिन इसको एक दो कैंडल ऑलमोस्ट इक्वल लो बोल सकते हैं लो, तो कॉन्टिन्यूसली ऐसा स्ट्रक्चर में नहीं मिला था कभी भी डाउनफॉल में, तो ऐसा स्ट्रक्चर जो है हायर लो बोल सकते हैं, तो हायर लो मतलब ये जो डाउन ट्रेंड था ये ओवर हो गया, क्योंकि ये लो को ब्रेक नहीं कर पाया, जो भी बी आर था जो भी था, तो मतलब बी आर ने अपना स्टैंड लूज कर दिया और बुल ने टोटली टेक ओवर कर लिया,
अभी इसका वीकली चार्ट से मैंने ऑलरेडी बोल दिया, जो थर्ड फैन था वो ब्रेक किया था, ब्रेक किया और इस जगह पे लास्ट हाई को भी ब्रेक कर गया, लेकिन इस जगह एक कांस्टेंट मतलब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जो भी है, तो इस जगह पे आके थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, लास्ट कंसोलिडेट होगा 274 के अंदर, उसके बाद इसको और कोई रोक नहीं सकते इसके ऊपर, जो टू इस जगह पे जो पॉइंट है कितना है 206, मतलब 250 पकड़ लो 10,002। लेकिन एक पॉजिटिव चीज जो हो इस वीक में मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ स्मॉल कैप में भी, देखो स्मॉल कैप एक इस जगह से एक बड़ा डाउन डाउन करता है, तो इस जगह से एक मतलब जनरली इसको अगर जिधर से एक बड़ा डाउनफॉल होता है उसको उतना आसानी से क्रॉस नहीं कर पाता है, तो लेकिन इस जगह पे बिना रोके उसको क्रॉस कर गया, तो इसके बाद एक कंसोलिडेशन जरूरी था, तो कंसोलिडेशन होता ही है बिना रोके कोई रेजिस्टेंस को अगर वो क्रॉस करते तो एक कंसोलिडेशन जरूर होता है, तो इस जगह पे भी हुआ। लेकिन इस जगह पे एक पॉजिटिव चीज जो है, देखो 10,000 के ऊपर हमेशा राउंड नंबर जो 10,000 15,000 5,000 ये सब क्या होता है, एक राउंड नंबर रेजिस्टेंस होता है, तो ये 10,000 के ऊपर एक किसी भी हालत पे क्रॉस नहीं दे रहा था, तो इस बार फर्स्ट टाइम एक 10,000 के ऊपर क्रॉस दिया, तो अभी मैंने जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और इस जगह से एक शार्प अप मूव आएगा, देखो इस जगह से एक शार्प डाउन मूव भी था, तो इस जगह पे कंसोलिडेशन करना बहुत जरूरी है, तो शार्प अप मूव आएगा इस जगह पे 10,200 तक, जैसे 10,200 बोला था तो उस जगह पे भी थोड़ा कंसोलिडेशन करके ऊपर जाएगा, तो इस वीक मैंने 10,200 और 250 तक एक मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और उसके बाद कंसोलिडेशन के बाद ऊपर जाएगा इधर, ठीक है। और दूसरा एक पॉजिटिव चीज बोलता हूँ, मैंने बहुत दिन पहले जो मेरा पुराना फॉलोअर है पता है उन लोगों, मैंने एक पैटर्न है जिसको मैंने एरो बोलता हूँ, एरो क्या बोलता हूँ, जैसे कोई स्टॉक अगर किसको एरो पैटर्न बोलता हूँ, जैसे कोई स्टॉक जैसे इधर से जो कंसोलिडेट कर रहे हैं उसके बाद थोड़ा सा नीचे गया और इससे कंसोलिडेशन करके ये मतलब ऊपर जा रहे, तो इस जगह पे क्या होता है ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन से अगर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, ये एक मेरा स्टेट हो गया स्टेट लाइन, और इस जगह पे जो पैटर्न बनता है एरो शेप का बनता है, तो एरो का जो एंड का पोर्शन होता है वो एरो कैसे दिखता है, सामने ऐसा ट्रायंगल जैसे होता है और पीछे ऐसा स्टेट होता है, तो वो उस जगह पे ब्रेकआउट मिलता है तो वो एक फास्ट मूव कर सकते हैं, तो स्मॉल कैप में ऐसा एक स्ट्रक्चर बना मंथ चार्ट पे, देखो ऐसा एक स्ट्रेट एरो का बैक साइड जैसे, ठीक है, और इस जगह पे अगर मैंने टच कराऊंगा देखो एरो का फ्रंट जैसे मूव बन शेप बन गया, तो इसको मैंने एरो पैटर्न का ब्रेकआउट बोल सकता हूँ, तो एरो पैटर्न का ब्रेकआउट के बाद जनरली बहुत फास्ट मूव होता है, अभी देखते हैं इसमें होता है या नहीं, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी सब बुलिश दिख रहा है, तो ऑब्वियसली इसमें भी एक बुलिश मूव आएगा एरो जैसे, तो आएगा तो 20-25% एक मिल जाता है स्मॉल कैप में, निफ्टी बैंक निफ्टी में तो नहीं होता, लेकिन स्मॉल कैप पे जब भी एक अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव आता है 20-25% का एक रिटर्न मिलता है, तो चलो देखते हैं क्या होता है। और अभी थोड़ा सा आप लोगों को सेक्टरल वाइज बता देता हूँ, जैसे फर्स्ट आता है निफ्टी आईटी, वही लेके सबका कॉन्सर्न था, लेकिन आईटी थोड़ा सा मेरे को बॉटम आउट जैसे लग रहा है, इस जगह पे डबल बॉटम बना के जैसे इस जगह पे अगर देखोगे और इस जगह पे एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस जैसे था, ठीक है, तो निफ्टी आईटी मतलब इस जगह पे एक पॉजिटिव बाद ग्रीन कैंडल दे रहे, तो इस जगह पे लग रहा है ये बॉटम आउट हो गया ये, ठीक है, तो भी इसको वीकली चार्ट से देख लेते, वीकली चार्ट पे जैसे मैंने थर्ड फैन जैसे बोलता हूँ कॉन्सेप्ट, तो इस जगह पे फर्स्ट फैन, इस जगह पे सेकंड फैन और इस जगह पे थर्ड फैन, तो थर्ड फैन ब्रेकआउट अभी भी नहीं हुआ तो बोल नहीं सकते जी इसका डाउनवर्ड मूव ऊपर हो गया, लेकिन इस जगह पे अगर देखोगे एक जो लास्ट हाई है उसको क्रॉस किया, तो लास्ट हाई क्रॉस किया तो मेरे को जो लग रहा है आईटी इधर से शार्प मूव दे रहे हैं 26,000 का लेवल से, तो ये 30,000 का लेवल एक राउंड नंबर भी है, तो इस जगह पे आके थोड़ा सा 30,000 और 700 पॉइंट मूव के बाद इस जगह पे थोड़ा कंसोलिडेट करेगा और उसके बाद ब्रेक करेगा, तो आईटी स्टॉक थोड़ा सा मूव तो ऑलरेडी दे चुका है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, और इस जगह पे भी आप देखोगे तो एक ब्रेकआउट तो है, और ब्रेकआउट के बाद एक सेकेंड ब्रेकआउट जैसे भी है,
तो लेकिन मेरे को जो लग रहा है 30,000 का, देखो इस जगह पे एक साफ डाउनवर्ड मूव था इस जगह से, तो 30 से 30,300 ये दोनों के बीच में से एक कंसोलिडेशन में जाएगा आईटी स्टॉक्स। तो आईटी स्टॉक्स में मैं भले ही शायद इस मूव के लिए मूव आया, लेकिन थोड़ा सा उसके बाद इस वीक शायद 30,300 तक जाएगा, उसके बाद एक कंसोलिडेशन में जाएगा। लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है बुलिश दिख रहा है, क्योंकि वो थर्ड फैन ब्रेकआउट पे है, थर्ड फैन एक बार ब्रेकआउट हो जाएगा। देखो आईटी में एक बहुत बड़ा मूव था, 11,000 का लेवल से 39,000 लगभग आया था कोविड के बाद 11,000, तो मतलब ऑलमोस्ट 3.5 टाइम्स मूव था। तो उसके बाद एक कंसोलिडेशन हो रही, तो इस जगह से एक बार निकलेगा तो एक बड़ा मूव फिर से आएगा, तो उसमें तो मेरे को कोई डाउट नहीं है। तो आईटी अभी भी फुल्ली बुलिश मोड में नहीं आया, थोड़ा सा कंसोलिडेशन के बाद शायद वो आएगा। चलो अभी निफ्टी फार्मा, तो निफ्टी फार्मा में भी सेम है, देखो एक काप एंड हैंडल, एक बड़ा मूव, उसके बाद एक काप बनाया, तो काप बनाने के बाद एक हैंडल बना रहा है। तो हैंडल अगर देखेंगे इस जगह पे, जब तक थर्ड फैन ब्रेकआउट नहीं होता, देखिए फर्स्ट फैन है उसमें सपोर्ट लिया, तो सेकंड फैन है उसमें सपोर्ट लिया, अभी थर्ड फैन के आसपास जा रहा है। तो निफ्टी मेरे को निफ्टी फार्मा जो लग रहा है, अभी इस वीक का क्लोजिंग था 12,600, तो मेरे को लगता है इस जगह इस वीक 13,000 का आसपास आएगा, इस वीक हाँ 13,000 का आसपास आ सकता है, आके इस जगह पे थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, क्योंकि इस जगह से एक साफ डाउनवर्ड मूव भी है, उसके बाद ब्रेक करेगा, लेकिन अभी भी फुल्ली बुलिश मोड में नहीं आया आईटी फार्मा, ठीक है। तो लेकिन इस जगह पे एक बार ब्रेक हो जाएगा वो थर्ड फैन वाला जो ब्रेक का वो बोल रहा हूँ, तो उसके बाद फार्मा को भी रोकना मुश्किल होगा। जो सबसे बुलिश एकदम फुल्ली मतलब कंफर्मेशन मिल गया वो है निफ्टी ऑटो। निफ्टी ऑटो अगर देखेंगे इस जगह पे, देखो एक ब्रेकआउट था और ब्रेकआउट के बाद काफी कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन के बाद अभी ये फिर से एक ब्रेकआउट दिया, तो थोड़ा बहुत रिटेस्ट वगैरह हो सकता है, लेकिन आईटी मतलब निफ्टी ऑटो वो ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है, काफी बुलिश स्ट्रक्चर बना रहा है। और दूसरा है निफ्टी निफ्टी मेटल, निफ्टी मेटल अगर देखेंगे, इसने जो इसका जब मतलब स्टार्टिंग हुआ था तब से जो एक ट्रेंड लाइन के ऊपर जा रहा था, वो ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके उसमें ही कंसोलिडेशन कर रहे, और अभी जो है देखो अभी जो उसमें बोल रहा था मैंने निफ्टी स्मॉल कैप में हायर लो, देखो इस जगह पे जो जा रहा था जो नीचे आया था, ठीक है ऊपर जो जा रहा था, तो ये लो और ये लो अगर देखो चलो वीकली चार्ट से तो अलग, लेकिन मंथली चार्ट से अगर देखेंगे ये लो और ये जो लो है, मंथली चार्ट कंटिन्यूअसली मतलब तीन कैंडल का ग्रीन कैंडल दे दिया, तो मैंने इसको हायर लो बोल सकता हूँ। तो ये जो एक अपवर्ड मूव के बाद डाउनवर्ड मूव था, तो एक हायर लो ऑलरेडी इसने बना लिया, तो मैं बोल सकता हूँ फिर से इसने अपवर्ड जर्नी रिज्यूम कर लिया, लेकिन बहुत ज्यादा कंफर्मेशन अभी तक आया नहीं है। इस जगह पे जो डाउनवर्ड मूव अगर मैंने इसे भी देखे, तो एक बॉटम तो इस जगह पे बना रहे, और बॉटम का जस्ट उसके ऊपर क्लोज हुआ, जो डेली चार्ट पे अच्छा दिखेगा ये जो बॉटम बना रहा था इस हाई और इस हाई के बाद, तो उसको तो ब्रेकआउट देकर जस्ट क्लोज हुआ। तो एक दो कैंडल और इसके बाद कंफर्मेशन का मिल जाए, तो निफ्टी मेटल का मतलब 6,000 के ऊपर निफ्टी मेटल को कोई रोक नहीं सकता, कंफर्मेशन आ जाएगा, निफ्टी मेटल आवार मैं फिर से मतलब अपवर्ड जर्नी रिज्यूम कर लिया। चलो अभी लगभग सारे सेक्टर में बोल दिया, निफ्टी ऑटो छोड़ के कोई भी सेक्टर में अभी भी अपवर्ड मूव का मतलब अप ट्रेंड रिज्यूम कर लिया, उसका कंफर्मेशन नहीं आया। तो अगर निफ्टी बैंक निफ्टी मतलब अपवर्ड मतलब नया हाई दे देगा, मतलब बैंक निफ्टी तो इस वीक में एक्सपेक्ट कर रहा है, और बैंक निफ्टी अगर देगा तो निफ्टी भी उसको फॉलो करेगा, तो इसके साथ साथ मतलब बाकी सब सेक्टर भी एक एक करके कॉन्फर्मेशन दे देगा। लेकिन ये जो है निफ्टी 18,900 से 19,000 के बीच में कैसे बिहेव करेगा, मैं तो चलो वो तो मेरा एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि मैं पैसा लगा रहा हूँ मार्केट में, तो हमेशा एक्सपेक्ट करूंगा ऊपर ही जाएगा, लेकिन कैसे हो सकता है वो तो कोई नहीं बोल सकता है। ये भी हो सकता है जो 19,000 से एकदम सब डाउन हो रहा है, लेकिन चार्ट के हिसाब से जो लग रहा है
जो बैंक निफ्टी इस वीक ऑल टाइम हाई दे सकते हैं और निफ्टी भी ऑल टाइम हाई दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा 1-2 वीक का एक कंसोलिडेशन आएगा, तो उस टाइम सारे सेक्टर मूव करेगा, स्मॉल कैप वगैरह सब मूव करेगा। तो देखते हैं अभी क्या हो सकता है, कंफर्म चार्ट देख के तो अभी बुरी सी लग रहा है मार्केट, और नेक्स्ट वीक एक अच्छा मूव मैंने एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। चलो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही। हाँ फ्रेंड्स, खत्म करने के पहले एक चीज आप लोगों को बता देता हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, तो मेरा जो भी मतलब व्यूज है मेरा फ्रेंड्स का हेल्प के लिए मैंने शेयर करता हूँ, तो इसको रिकमेंडेशन के तौर पे मत लेना, आप अपना भी जो भी मतलब एनालिसिस है वो करना, मेरा ये जो वीडियोस है इसको एक हेल्प के तरह लेना, मतलब क्या है इसको एक रेफरेंस के तरह ले लेना, जे हाँ ये रेफरेंस के तौर पे आप यूज करो। तो और आप लोग मेरे को फॉलो करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप लोग उसको मतलब उसमें मेरा टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो। चलो फ्रेंड्स अभी के लिए बहुत है, बाय बाय, गुड नाइट।